सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम उत्तर भारत उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। भाजपा के स्टार प्रचारक और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हापुड़ पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा के चुनाव प्रचार में जान फूंकने के साथ सभी नगर निकायों के मतदाताओं को साधा। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में देश की तस्वीर बदल गई है, विदेशों में भारतीय नागरिकों को सम्मान मिल रहा है। रैपिड रेल गाजियाबाद हापुड़ से होती हुई मेरठ को जोड़ेगी, जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, यूपी में विकास की गति भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी को अपने साथ जोड़ता है, तो 40 लाख लोग तो हमारे अपने हैं, ये आ रहे हैं तो इनका स्वागत है, इनका उपयोग हम उत्तर प्रदेश के अंदर करेंगे। और मैंने उस समय एमएसएमई यूनिट से कहा था, मैंने कहा एक एक दो दो लोगों को अपने यहां जोड़ दीजिए, इनका भी काम चलेगा, आपका भी काम चलेगा। और भाइयों बहनों, 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और कल 40 लाख लोग आए थे, ये 40 लाख लोगों को सबने अपने अपने यहां रख दिया, पता ही नहीं लगा। उत्तर प्रदेश ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूती के साथ जीत लिया। अभी चुनाव आ रहे थे, नगर निकाय चुनाव, कल पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया। लोग उससे कहते थे कि चुनाव आ रहा है, कोरोना फिर आ जाएगा। मैंने कहा कोरोना यहां कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, कोरोना को हमने कैद कर दिया। और भाइयों बहनों, जब सरकार की सकारात्मक सोच होती है, केंद्र और राज्य सरकार एक सही एक ही दिशा में एक स्पीड से आगे बढ़ती है, तो फिर विकास आने में कोई देर नहीं लगती। वहीं नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई असर नहीं छोड़ रही। पीलीभीत की पूरनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार शैलेंद्र गुप्ता के हक में वोट करने की जनता से डिप्टी सीएम ने अपील की है। बता दें कि जनसभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई गई। वहीं पूरनपुर नगर पालिका को मॉडल नगर पालिका बनाने का भी आश्वासन जनता को दिया गया। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए गुंडे और माफियाओं की सरकार बताया। उन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार में गुंडे और माफिया आम जनता पर जुल्म करते हैं और उनकी संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया करते हैं, लेकिन अब योगी सरकार ने गुंडे माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है। गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है, लोगों का मानना है बीजेपी सुशासन दे सकती है, लाइन ऑर्डर मेंटेन कर सकती है, इसलिए लोग बीजेपी के साथ। विपक्ष का बहुत बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे? विपक्ष अपने घर से नहीं निकला आरोप सर, बजरंग दल पे आरोप लगाने के लिए हमने बोला तो है। वहीं बुलंदशहर में निकाय चुनावों को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का उद्घाटन हुआ, जहां प्रत्याशी अवधेश कुमार शर्मा उर्फ पिंकी शर्मा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पिंकी शर्मा ने बताया कि अनूप शहर में पूर्व में कोई विकास नहीं हुआ है और कोरोना काल में जनता की सेवा भी की थी, उसी को देखते हुए जनता ने मुझे अध्यक्ष पद के रूप में चुना है। जनता की सेवा में हर मदद के लिए मैं तैयार हूँ। और अवधेश शर्मा के रूप में ही मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका परिषद अनूप शहर के चेयरमैन के पद पर बसपा से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हूँ। बहुजन समाज पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, बहन कुमारी मायावती जी का, मानवर काशीराम जी का और भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के का आदर्श मानते हुए मैं शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त।
हरदोई के लोनार और सांडी थाना क्षेत्रों में दो हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बेकाबू ट्रक चालक ने लोनार थाना क्षेत्र में एक बेकाबू ट्रक से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसमें पति पत्नी समेत गंभीर रूप से घायल बच्चे को मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां इलाज के दौरान पति और बच्चे की मौत हो गई, जबकि महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं सांडी के सैतियारपुर में उसी ट्रक ने ई रिक्शा में टक्कर मार दी, जिस पर सवार दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर ASP पश्चिमी दुर्गेश कुमार और पूर्वी नृपेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे। कई थानों की फोर्स ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को संभाला, साथ ही पुलिस ने सभी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऑटो भी चला गया और कितने लोग घायल हैं और क्या मतलब आप लोग हमारे जान में तो 5 आदमी तो खत्म हो चुके हैं। और कितने लोग घायल हैं और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? यहाँ पर जाम लगाए हुए हैं, यहाँ पर सारे आदमी खड़े हैं, सारी पब्लिक भी है, सब कोई आया हुआ है। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। बताने के बाद यहाँ आया, यहाँ पे सुनवाई मार दिया। तो कौन किसकी क्या हुआ है? कौन वो ऑटो चलाते थे? गुड्डू थे, गाँव के सैतियापुर के रहने वाले। वो मतलब ऑटो चलाते थे, इधर जाते थे, वहाँ अड्डे पे लगाते थे। यहाँ पे कितने लोगों की मौत हुई है? क्या पूरा हुआ? दो, यहाँ पे 2 लोगों की हुई है, 3 जगदीशपुर में, 3 बदौने में। क्या नाम है आपका? में मरे हैं। क्या जानकारी आ रही है, कैसे क्या मौत हुई है? वहाँ से आ रहे थे, वहाँ से ये आए, वहाँ से दावे कलेले ले चले आए। क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? क्यों आप लोग क्या मांग करते हैं? मांग क्या करते हैं? छोटे छोटे बच्चे 200 रुपये पैदा करता, बताओ दिहाड़ी लोग खाओ तो बच्चे क्या करेंगे? जितने रजे बच्चे खड़े हैं बताओ। क्या नाम है? किसका? आप? हमारा नाम सर्वे। रोड के किनारे खड़े थे वहाँ पे गुड्डू की दुकान के पास, वहाँ पे ऑटो कलील के आया है, मतलब गंती में पलटा है। क्या आप लोग मांग क्या करते हैं? मांग क्या? 200 रुपये पैदा करते, 4 बच्चे 5 हैं उनके। किसकी लापरवाही है क्या? और वो ट्रक चालक वगैरह है, दारू पी के चला रहा था पूरे रोड में, 3-4 एक्सीडेंट करके आया है पीछे। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। वहीं नगर निकाय चुनाव में सभी पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी घर घर जाकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में कन्नौज के छिबरामऊ नगर में सभी पार्टियों के प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव प्रचार में तेजी से लगे हुए हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी में उमर फारूक बंटी चुनाव लड़ रहे हैं। उमर फारूक बंटी ने मोहल्ला पढ़ाओ बकरी मंडी लकड़ी मंडी में जनसंपर्क किया और वोटरों से वोट देने की और सहयोग करने की अपील की। आइए आपको सुनाते हैं उनकी सहयोगी सपा नेता बबल चौहान ने क्या कुछ कहा। और बरसात में गुरुद्वारा वाली गली में घरों में पानी भरा, हम लोगों को जानकारी हुई, यो छिबरामऊ को बताया। इतनी अव्यवस्थाएं हैं नगर छिबरामऊ में, नाली भजभजाती हुई दिख रही, कहीं साफ सफाई नहीं, पेयजल की इतनी अव्यवस्था है। इन सारे मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई उमर फारूक बंटी जी, जनता ने आपकी मन बना ली। वहीं रायबरेली और प्रतापगढ़ मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां शादी करके वापस लौट रहे दुल्हा दुल्हन की कार पेड़ से टकराने से एक महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दुल्हा दुल्हन सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि अचानक ड्राइवर को नींद आने से दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक को शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत टोल प्लाजा के पास का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। We'll be right back.
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।